हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग यहाँ से आसाम से हम लोग बोगीबिल की तरफ जा रहा है। हम और ये मेरा वो मालिक जो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ से मूव करेगा। अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं फिलहाल, तो हम लोग रेडी करने का बात है यहाँ से ये भाभी लोग, इसके बाद उसका बेटा लोग जो यहाँ से वो आधा रास्ता में नाम जाएगा वो लोग का दीदी का घर में। तो हम दोनों यहाँ से डायरेक्ट, मतलब उधर से नहीं रुक के डायरेक्ट हम दोनों बोगीबिल निकल जाएगा। तो कुछ बोलना चाह रहा है क्या? तो बता दो, अभी हम लोग यहाँ से कितना बजे को निकल जाएगा? अभी कितना हुआ है देखो, समय जो ऑलमोस्ट 6 बज रहा है। अभी 6 बजे है, मतलब 7 बज गया अभी। 7:30 को निकल जाएगा यहाँ से। मेरा बुढ़ी भी जाएगा, वो लोग उगा मुंगे बैठेगा, हम लोग दोनों डायरेक्ट बोगीबिल चला जाएगा। इसके बाद हम लोग जो यहाँ से डायरेक्ट अभी और एक दोस्त को भी पिक अप कर लेगा ना, तो उसका बीवी भी जाएगा, दोस्त भी जाएगा, वो लोग गुगा मुंग में बैठेगा। हम लोग दोनों डायरेक्ट शाह को लेके जाएगा, बुलेट को रख के जाएगा, बुलेट को यहाँ से आधा रास्ता उधर तक ले जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों पल्सर को यहाँ से लेके जाएगा उधर में ना। तो आप सभी लोग जानता ही होगा कि बोगीबिल ब्रिज एक बहुत बड़ा ब्रिज है, इंडिया का एक लॉन्गेस्ट। बोला था भाभी का ये घर है, तो अभी हम लोग यहाँ में उसका बाबू का माँ को भी मिल लेगा। अभी हम लोग यहाँ में पहुँच गया है वो लोग का घर में। ये वो लोग का घर है, हम आपको दिखा देगा थोड़ा। किसका? बाबू का जीजाजी का घर, बाबू का जीजाजी का घर है। चलो ठीक है, एंटर करेगा। वाह, सो स्वीट। बाबू का माँ नहीं है, तो बाद में हम लोग फिर आके मिलेगा उसमें, ठीक है? वो बाद में हम दोनों आके फिर हमें मिल लेगा ना, माँ को मिलने आएगा, ठीक है? अभी हम लोग ये इसको ले जा रहे हैं, पल्सर को लेके जाएगा, छोटा बेटा को। बुलेट को रख दिया है, हमें स्टॉप कर लिया। तो बुलेट एक्चुअली मेरा गाड़ी का कागज इतना टिक तक नहीं है, इसलिए उसको अभी के लिए यहाँ में रख दिया वो लोग का माँ का घर में। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलेगा, उधर मिलते हैं। वी आर हेडिंग फॉर बोगीबिल। तो अभी हम लोग निकल गया, ये
का बेटा को भी ले जा रहा है, ये बाबू का बेटा है जिसके पास ये बाबू है वो ड्राइवर बन रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग उधर बोगीबिल में डायरेक्ट निकलेगा, तो फिर उधर मिलेगा आप लोग सभी को, तो स्टे ट्यून। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पहुँच गया, थोड़ा पेट्रोल डाल लेगा में। मीटर सिस्टम है, लीटर कितना लीटर बना रहे उसमें दिखाता है पूरा, और कितना रुपीस हो गया वो भी पूरा उधर में दिखाता है। आजकल बहुत सिस्टमेटिक अच्छा हो गया। मोबाइल सही है क्या? मोबाइल ये रिसीव बना रहा है, मैसेज करना है, है। वाला नहीं है, क्या बोला? मोबाइल मोबाइल क्या लोग बोल रहे हैं? मैसेज भेजेगा बोल रहे हैं, लॉटरी है बोल के ना, हमको नसीबा सा से गाड़ी मिलेगा बोल रहे हैं। मैसेज ये क्या होता है? मेरा नंबर लिख लो, मोबाइल से मोबाइल को दे दो। ठीक है, या मैं लॉटरी ये करेगा बोल रहा है, अभी मोबाइल लिंक करेगा तो उधर में लॉटरी बम्पर है, तो उसमें हम लोग अगर ये यहाँ से मिलता है बोलने से उसमें हम लोग मिल जाएगा, ये लॉटरी गिफ्ट कूपन मिल जाएगा। तो इसका अभी नंबर को शेयर करने के लिए या मैं मेरा नंबर मांग रहा है। ठीक है, ये है गिफ्ट प्राइज, अगर मेरा लक अच्छा होगा तो हमको ये सब गिफ्ट मिलेगा। ये क्या क्या गिफ्ट है मेरा, ये पेट्रोल पंप में जब आया था तो उसमें हम लोग पेट्रोल भराया था, तो उसमें एक कूपन मिलता है, तो वो कूपन जो उधर में ये करके वो करके रखा है, आपको आप दिखा सकते हैं, ये इसमें आया हुआ है। तो अगर इसमें मेरा लक होगा तो इसमें ये गाड़ी है, बाइक है, कुछ कुछ तो सामान है, तो वो चीज़ हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें लक ट्राई करेगा, तो लक आने से शायद हम वापस आसाम भी आ सकते हैं वापस गिफ्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग पेट्रोल पंप है, तो हम लोग पेट्रोल भरा दें, अभी वापस हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। कहाँ अभी यहाँ से कहाँ जाना है? इस तरफ जाना है ना, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा जा, अभी जाओ जाओ। तो यहाँ से अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये है गेट। तो अभी हम लोग यहाँ में स्टॉप किए है, तो सुबह हम लोग कुछ भी नहीं खा के आया था, तो यहाँ में थोड़ा अभी शॉप में रुका है, थोड़ा हम लोग कुछ खा लेगा पराठा वगैरह। तो यहाँ में ये अभी हम लोग थोड़ा स्टॉप किए हैं, यहाँ में सुबह हम लोग बहुत भूख मतलब कुछ भी नहीं खा के आ गया था, तो अभी थोड़ा भूख लग गया, तो यहाँ में हम लोग दुकान में घुस के कुछ खा लेगा। थोड़ा क्या कुछ है क्या पराठा खाएगा? तुम सुबह कुछ भी नहीं खा रहे, भूख लग गया है।
गाड़ी लोग आना जाना कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से नीचे में पूरा पानी सूख गया, ये गर्म सीजन को पानी पूरा फुल होता है ना। ये गर्म सीजन को पानी पूरा फुल हो जाता है, और यहाँ में सब मछली लोग भी बहुत ज़्यादा होता है, मछली लोग भी पकड़ता है ना। और ये क्या बोलते हैं, चाइना से आ रहा है क्या? और हम लोग पहुँच गया है बोगीबिल। तो कुछ बताओ बोगीबिल के बारे में, और ये कौन सा जगह में सिचुएटेड थे, कौन सा जगह में बोगीबिल? ये डिब्रूगढ़ यहाँ से पास होके जाता है ना, यहाँ से जाने से डिब्रूगढ़ मिलेगा। और कौन सा मिलेगा? धेमाजी यहाँ से इसके बाद हम लोग यहाँ से जाते समय डिब्रूगढ़ जा सकता है, जरमपुर यहाँ से तीन चुकिया ये रास्ता से जा सकेगा ना। यही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। पहले तो बीच सब नहीं था ना, तो वो नाव है बड़ा दिखाया ऐसे पार कर का है। अभी ये बीच बना दिया ना मुडिया, क्या बोला है मुडिया के नरेंद्र मोदी आके इसको इनोग्रेट किया था ये बोगीबिल ब्रिज को। पेरी भी दिखाई दे रहा है उधर में, वो उधर आदमी ले जाते हैं उधर में, और बाइक भी ले जाते हैं, गाड़ी लोग को भी उतार देते हैं उधर में। और ये ब्रह्मपुत्र ब्रिज है, और ये नीचे से रेलवे जाता है आपको, हम और रेल जा रहा है और रेल क्या है, रेल नीचे में जा रहा है, देखने आया था, कुछ तो करने नहीं आया, जस्ट ब्रिज को देखने आया था। ब्रिज अभी हम लोग देख लिया, तो अभी हम लोग यहाँ से वापस निकल जाएगा, घर निकल जाएगा अपना घर। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इंडिया का 5 लॉन्गेस्ट ब्रिज कम रेलवे रोड है, मतलब यहाँ में आपको नीचे में रेलवे जाता है, ट्रेन जाता है, और ऊपर से रोड जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ में पहुँच गए, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है बोगीबिल यहाँ आके, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है, और मेरा मालिक हमको लेके आया है जीरो से पूरा यहाँ तक, हमको अच्छा से लेके आया है। I'm not able